हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू आवर चैनल। तो यार बात करेंगे सुपरमैन एंड लुईस सीजन 1 एपिसोड 2 जिसका नाम है हेरिटेज। ओवरऑल लेंथ 44 मिनट की और ये सिर्फ इंग्लिश में आपको देखने को मिल जाता है। अगर आप लोगों ने सीजन 1 का एपिसोड 1 देखा है तो वो अगर 19 था तो एपिसोड 2 25 है। और जो जो चीज़ें आप लोग एक्सपेक्ट भी नहीं करोगे वो सारी चीज़ आप लोग एपिसोड 2 में विटनेस करोगे। और सीधी सीधी एक चीज़ बता दूँ कि यहाँ पर जितने भी कैरेक्टर्स हैं उन सब का आपको अलग अलग प्लॉट देखने को मिलेगा और हर एक प्लॉट इतना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। और इनफैक्ट उन्होंने एपिसोड 2 से जो शुरुआत की है 44 मिनट में आपको वो सारी चीज़ें देखने को मिलेगी जो आप लोग चाहते हो। और लिटरली एपिसोड 2 जहाँ पर ख़त्म हुआ है वहाँ से एपिसोड 3 के लिए वेट नहीं कर सकते बॉस। और जैसे कि आपने एपिसोड 1 में देखा था कि क्लार्क ने अपने दोनों ही बेटों को बता दिया कि वो सुपरमैन है। और प्लस पर लुईस और मॉर्गन एज का भी एक अलग प्लॉट देखने को मिला जो इक्वली बहुत ज़्यादा दिलचस्प लगा मुझे। और जो सुपर विलन है कैप्टन और सुपरमैन के बीच में जो पास्ट में चीज़ें हुई थी, काफ़ी कुछ ऐसी चीज़ें हुई थी जो हमें आने वाले एपिसोड्स में देखने को मिलेगी। मिला के इतना कह सकता हूँ कि यार एपिसोड 2 एकदम कड़क है। और अगर सिनेमाटोग्राफी की बात करें तो भाई यहाँ पर जितनी तारीफ़ करें उतनी कम है। जो अमाउंट ऑफ VFX आपको देखने को मिलेगा ना इस पर्टिकुलर शो में, भाई पूरी तरह से आपको हिला के रख देगा। और जो जो एक्शन सीन्स मैंने देखे हैं यहाँ पर, यार मैं रिवील नहीं करूँगा, बस आप लोग देखो और इन्जॉय करोगे। यही सोचोगे कि भाई लोगों ने एक साथ सारे एपिसोड रिलीज़ क्यों नहीं किए। और अगर BGM की बात करो तो भाई मैं सच में आज वर्ड्स नहीं है मेरे पास। सब एक्टर्स ने अपने हिस्से के रोल को बहुत ही अच्छी तरह से निभाया। और जिस तरह से कैरेक्टर डेवलपमेंट चल रहा है ना, जो जो चीज़ें उनके बारे में बता रही ना, एक ही चीज़ बोलूँगा कि यार बहुत ही गजब का लिखा उन्होंने इस शो को। अब देखते हैं कि आने वाले एपिसोड में हमें और क्या क्या सरप्राइजेस देखने को मिलते हैं। और भाई हर हफ्ते मैं इसका रिव्यू करूँगा, वो तो मैं आपको गारंटी के साथ बोल रहा हूँ। और पेरेंटल गाइडेंस के लिए इतना ही बोलूँगा कि किसिंग सीन है वो भी एपिसोड के एकदम एंड में, वो भी ऐसा कुछ नहीं है जो आप लोग नहीं देख सकते। रेटिंग्स तो मैंने जैसे कि कहा कि जब तक पूरा शो कंप्लीट होता नहीं मैं रेटिंग्स देने वाला हूँ नहीं। यार बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।